दोस्तों पवनदीप राजन और अरविंदा कांजीलाल के साथ मोहम्मद दानिश और साइली कांबले अपना पहला शो लंदन में कर चुके हैं। इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि इनके साथ लंदन में शो में क्या क्या हुआ और उससे जुड़ी हर खबर आज हम आपको बताने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लंदन में शो करने से पहले पवनदीप राजन ने लंदन के लोगों से क्या क्या कहा, इनके साथ मोहम्मद दानिश ने शो में क्या क्या किया, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में, जे सुनकर आप सबको बेहद खुशी होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं, सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर पवनदीप राजन और मोहम्मद दानिश ने शो को शुरू करने से पहले लंदन के लोगों से क्या कहा। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि पवनदीप राजन और अनिता कांजीलाल जब अपना पहला शो कर रहे थे, उस वक्त इंडिया यानी हमारे देश में रात थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जब हम सब सो रहे थे, उस वक्त पवनदीप राजन और अनिता कांजीलाल लंदन में लंदन के लोगों के सामने अपना शो कर रहे थे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि आप सबके फेवरेट पवनदीप राजन ने अपना पहला शो शुरू करने से पहले लंदन के लोगों से कहा कि मैं आज बातें कम और अपना गाना आप सबको ज्यादा सुनाऊंगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और ये बात हर किसी को काफी अच्छी लगी। वहीं बात करें अगर मोहम्मद दानिश की, तो मोहम्मद दानिश ने अपना गाना शुरू करने से पहले लंदन के लोगों को शायरी सुनाई। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको बता दें कि पवनदीप राजन और मोहम्मद दानिश का ये नया अंदाज, ये नया स्टाइल हर किसी को काफ़ी अच्छा लगा। वेल दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमने एक पोस्ट भी डाला है जहां पर आप अपनी राय ज़रूर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं, सबसे पहले जल्द से हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस कर बेल आइकन को।